राजेंद्र जून के लोग काफी खिलाफ हैं इस बार, क्यों? उसने कोई काम नहीं कर रखा इधर, 5 साल पहले बना था, कभी आया ही नहीं काम में, अभी आया है। वो कहते हैं बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं पूरे बहादुरगढ़ में, लिखा है काम करा है, काम करेंगे। राजेंद्र काम कहाँ से करता, उसकी तो सरकार थी ही नहीं। क्या लग रहा है इसका इस बार पलड़ा थोड़ा भारी है? राजेश का, जून जी का, ऐसा क्यों? राजेंद्र जून का क्या है? राजेंद्र जून का ये है को कुछ काम नहीं कर रही। शीला राठी का क्या लग रहा है? शीला राठी का भी कुछ नहीं है, थोड़ा जुगाड़ बना है, पर जो पोजीशन है ना, राजेश का, दिनेश का और राजेंद्र जून का, ये तीन मुकाबले में चल रहे। तो लो जी, एक बार फिर से हरियाणा, अगर चुनावों की बात करें हरियाणा के, तो बहादुरगढ़ की विधानसभा से एक और गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं और गांव का नाम है लड़रावण। और अक्सर जो है इस बार जो सुनने में जो चुनावी समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, वो कहा जाता है कि ऊंट कौन सी करवट बैठेगा, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि सभी का पलड़ा भारी लग रहा है और सभी का कमज़ोर भी लग रहा है। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो राजेंद्र जून के लोग काफ़ी खिलाफ हैं इस बार, क्यों? ऐसा क्यों था? उसने कोई काम नहीं कर रखा इधर, कभी आया नहीं, 5 साल पहले बना था, कभी आया ही नहीं काम, अभी आया है। वो कहते हैं बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं पूरे बहादुरगढ़ में, लिखा है काम करा है, काम करेंगे, दम भी है, ये भी है, वो भी है, दमदार है। राजेंद्र काम कहाँ से करता, उसकी तो सरकार थी ही नहीं। सरकार फंड तो मिलता है, विधायक फंड तो मिलता ही मिलता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, बजट तो मिलेगा। वो बजट कहाँ है, वो पूछा कभी? वो तो प्रधान पूछेगा, वो कहीं लगाया ही नहीं। यहाँ वोट तो आप भी देते हो, एक वोटर सवाल कर सकता है, लोकतंत्र में ये अधिकार है, एक वोटर जो है वो सवाल कर सकता है। सीढ़ी पर सीढ़ी बात करनी चाहिए ना, हम तो प्रधान से पूछेंगे काम करता है कि नहीं करता। प्रधान जी ने क्या जवाब दिया? प्रधान हमारा काम कर रहा है तो हमने क्या जरूरत है उसके पास जाने की, हमारा काम। ताऊ देख लो, कह रहे काम कर रहे हैं। नहीं यहाँ पर यह काम नहीं हो रहा है, प्रधान काम नहीं हो रहा है यहाँ। जून जून का जो है ना, कोई जनाधार नहीं है, इतना नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जो अगर बात करें तो राजेश जून निर्दलीय खड़े हो गए, नाराज हो गए हैं वो भी कांग्रेस पार्टी से। वो तो बात है ना, इसलिए खिलाफ हो रहे हैं आदमी। अच्छा, कि राजेश जून को नहीं दी? हाँ, टिकट नहीं मिला ना, ये ऊपर चले आया टिकट। सही बात है। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है? बोला गया कि राजेंद्र जून ने ये बात बोली है कि ये सीट कहीं नहीं जाएगी, मेरे बाद मेरे बेटे की होगी। अब ये भी बोलता है, तो परिवार बात चल रहा है ये तो। फिर पहले भी बोलता है, अभी भी बोलता है, आगे भी इसके लड़के की होगी। अच्छा अच्छा, ताऊ एक बात बताइए, और भी प्रत्याशी जैसे खड़े हैं बीजेपी के, जो दिनेश कौशिक हैं, उन दोनों भाइयों में भी लड़ाई रही पहले? दोनों में लड़ाई हो रही है। हाँ। दोनों में लड़ाई हो रही है उनमें भी आपस में। तो ये तो बोला गया था माफी वाफी मांग ली थी दिनेश कौशिक ने बाद में। हाँ, माफी मुफी मांगी है। देखो क्या करते हैं वे दोनों, आपस में कटते हैं, दोनों भाई मिलते हैं। अभी तो यहाँ तक कोई बात आई नहीं है, नहीं आई। अच्छा, और भी निर्दलीय तो खैर और खड़े हैं, जैसे रमेश जी हैं वो भी खड़े हैं, लेकिन इनेलो से भी खड़े हैं शीला राठी जो खड़ी हैं, उनका कितना जनाधार लग रहा है? सबको वोट मिल जाएंगे उनके, ऐसे गांव में, हमारे गांव में सबको वोट मिलेंगे। सबके मतलब अलग अलग वोटर हैं, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, तालुकात के हिसाब से सबको मिल रहे। अच्छा, जीत का क्या लग रहा था? वो कौन जीत के आने वाला है? वैसे लहर तो कांग्रेस की लग रही है। लहर तो अभी क्या पता कौन जीतेगा, आप तो ढोल बताओ। लेकिन बहादुरगढ़ की मतलब विधानसभा से ये सीट कांग्रेस ले जाएगी या नहीं? थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है। वो प्रधान जी रखते हैं थोड़ा बहुत। प्रधान जी आ जाइए फिर, प्रधान जी, तारीफ बड़ी हो रही है आपकी। तो प्रधान जी क्या लग रहा है किसका इस बार पलड़ा थोड़ा भारी है? राजेश का पलड़ा लग रहा है। जून जी का? हाँ। ऐसा क्यों? राजेंद्र जून का क्या है? राजेंद्र जून का ये है को कुछ नहीं कर रहा है, काम कर रहे हैं लोग, कुछ काम नहीं कर रही। वो कह रहे हैं काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहा भाई? कह रहे राजेश जून ने तो काम किए हैं काफी, मतलब सत्ता में नहीं थे तब भी काम किए। अरे इन राजेंद्र ने क्या करे? फिर कह रहे राजेंद्र ने क्या किया? राजेंद्र नहर में पानी छोड़ दे और क्या क्या करेगा? पानी छोड़ देता, पानी मतलब जल बोर्ड का काम करते होंगे वो भी खोज के लाना पड़ता है नाले का। अच्छा, वो भी कहाँ छोड़ दे? एक बार बनाया था ना। अच्छा, और उनका कितना लग रहा है? शीला राठी का क्या लग रहा है? शीला राठी का कितना लग रहा है? शीला राठी का भी कुछ नहीं है, थोड़ा जुगाड़ बना है।
नहीं, ये बोला जा रहा था कि थोड़ी शायद हो सकती है सहानुभूति हो, क्योंकि नफे सिंह राठी की जिस तरीके से हत्या की गई थी तो उसके बाद से मतलब लोगों की संवेदना है उनके साथ, परिवार के साथ। वोट तो सब मिल लेंगे, पर जो पोजीशन है ना राजेश का और दिनेश का और राजेंद्र जून का, ये तीन मुकाबले में चल लेंगे। अच्छा, इनके हैं मतलब मुकाबला है। और का कोई मुकाबला ना। अच्छा, ये जो निर्दलीय और खड़े हैं, दलाल वगैरह, रमेश दलाल और ये सारे, इनका कितना लग रहा है? इनका कुछ, या फिर खाली वोट काट है ये बस? हाँ, कुछ नहीं इनका। ये जो निर्दलीय उठ रहे, केजरीवाल का भी उठ रहा है, इनका कुछ ना है। केजरीवाल का तो नाम ही नहीं सुनाई दे रहा पूरे यहाँ पे, क्यों ऐसा क्यों? वही तो बता रहे ना, इनका कुछ हाँ कोई वो ना, मतलब लग नहीं रहा कि दिल्ली में जो सुविधाएं कर दी केजरीवाल ने, क्या हरियाणा में भी करी। दिल्ली में क्या सुविधा करी? वो तो कहते हैं मुफ्त पानी और बिजली। हाँ, मुफ्त पानी बिजली, वो दुनिया भूखी मरेगी फिर। अच्छा, दुनिया भूखी मर रही है। हम तो जो है मुफ्त काम करता ना और फ्री सौदा दे है, उससे नफरत मानते हैं। अच्छा, हाँ सही बात है। वैसे हरियाणा में ये चीज तो है, कमाओ और खाओ, मेहनत करना जानते हैं। क्या बात है, एक इधर और बैठे होता हूँ उनके पास भी जाते हैं। क्या लग रहा था हूं? काफी साल हो गए हैं आपको भी वोट डालते डालते, सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें चुनते भी रहते हो, इतने साल हो गए हैं ना, कई सरकारें देखी होंगी। वैसे आपने तो इंदिरा का वक्त भी देखा और अटल का भी देखा, और अब अगर एक तरीके से देखा जाए तो मोदी का भी देख रहे हो, क्या लग रहा है? मोदी ठीक है, मोदी ठीक है। तो एक काम करते हैं, मोदी को बोलते हैं कि आप ही यहाँ से लड़ लेते हैं। क्या लग रहा है, यहाँ से फिर बीजेपी मोदी के नाम पे देगी? मैं बता रहा हूँ, मोदी ठीक से। सही बात है। और ना ठीक हुए। अरे एक बात बताइए, राजेश जून क्या ठीक नहीं है? 2,000 रुपए और चांदी के सिक्के बांटे हैं उन्होंने। बांटे वो वोट अच्छी लेगा जी। अच्छी वोट लेगा गांव में। अरे सारी की सारी हरियाणा की औरतें खुश हो ली था। कह रहे जिनने जिसका खाया है उसको देंगे वोट। देंगे देंगे वे जो जो खा रहे थे और की का देंगे। सही बात है, जिसका खाया उसी को देंगे। मुगा देंगे। सही बात है। मतलब हुड्डा की सरकार बनेगी वैसे हरियाणा में, अगर बहादुरगढ़ की बात को छोड़ दिया जाए तो? हरियाणा में तो बनेगी, और यह सीट लिखनी मुश्किल है यहाँ से बहादुरगढ़। यहाँ पे कौन किसके लग रही है, कौन ले जाएगा बाजी, कौन मार जाएगा बहादुरगढ़ में? बाजी देख है, बताओ ये कितने बैठे से हार है, शिला रख से ले जाएगी, बच्ची ले जाएगी, ले जाएगी सीधे। हाँ, तो उधर भी जाते हैं, देखिए एक और बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बीड़ी तो जला ली था उन्हें, पर काका, अरे ना काका, देखो नुकसान कर लिया आपने। नहीं जी, नहीं है इसमें क्या नुकसान है। अच्छा, तो अब बताओ ना फिर क्या मतलब? हमारे यहाँ से तो बीजेपी जाएगी जी। बीजेपी बिल्कुल काम हुए हैं। हाँ, काम हो चाहिए। ये तो बोला है खट्टर सरकार से, तो वैसे ही हरियाणा जो है वो काफी नाराज था। नायब सैनी आया, क्या पता जी, हम तो अपनी सीट की बता सकते हैं ना, हम तो अपनी की बता सकते हैं। अच्छा। हरियाणा का हमें पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। बहादुरगढ़ से मतलब ले जाएगी बीजेपी? ले जाएगी बीजेपी। देखिए यहाँ पे जो जो है ना बहादुरगढ़ से बीजेपी की वो कर दी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ताऊ ने ना पूरी तरह मूछे जो है वो राजेंद्र जून की है ना ढाला रख रखी। राजेंद्र जून की नहीं, वोट मिलेगी। अच्छा, वोट नहीं मिलेगी, पर मूछ चाहे जितनी मर्जी रख ले, है ना, मर्जी बेस। एक बात बताओ, जब बन जाता है दिखता नहीं, गांव में काम करता नहीं है, जब इलेक्शन का टाइम आवे जब आ जाता है, वोट वोट चाहिए कि उसने सपोर्ट भी चाहिए क्या है की? सही बात है, गांव में काम भी चाहिए, किसी का दुख मना सुख मना। अच्छा, एक बात और, जो हर गांव में हम जा रहे हैं और हर गांव की हमने बात सुनी था कि किसी के घर पे अगर कुछ हो जाए, मतलब जैसे मतलब कोई गुजर जाए और वो वहाँ पे अगर विचार व्यक्त करने आए तो कुर्सी पे बैठता है आके। कहते कुर्सी मांगता, दो कुर्सी, एक पैर टिकान खाते रहो, एक वो बड़ा आदमी है ना। वो किसी के लगती हो तो जमीन में बैठे है। सही बात, किसी है। भाई को भाई मानता हो जे भी तो है, वो तो चौधर है, वो तो मर्जी है उसकी, नीचे बैठो चाहे। पानी पानी बोलते, पानी वो डिस्पोजल वाले गिलास में नहीं पीता, कांच का गिलास चाहिए उसने। पानी भी ना पियो है वो, कुछ ना ले। वोट तो फिर आपका ही लेवाया उसने, वोट बांटना मिले नहीं मिलेंगे ना। क्या बात है, मतलब लड़ रावण जो है वो काफी राजेंद्र जून के खिलाफ है इस बार। कांग्रेस की वोट नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, जीत कौन रहा है? बीजेपी की है।
बीजेपी जीत रही है, क्या बात है। लड़ रावण गांव में हम इस वक्त मौजूद थे, हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात की थी, और अगर आपको बताएं तो राजेंद्र जून जी के लिए जिस तरीके से लोगों के इस बार विचारधारा बदली है, तब्दील हुई है, क्योंकि उनका व्यवहारिक ना होना कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान शायद इन चुनावों में दे सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, इस बार किसके बहादुरगढ़ से जीत होगी, बहादुरगढ़ का ये ताज कौन अपने सर पे सजाएगा, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए राम राम, जय भारत।